करते हैं खबरों की ओर। खबर मैहर के श्रमिक नेता मनीष शुक्ला का विगत दिनों केजेएस सीमेंट प्लांट से लौटते वक्त केजेएस सीमेंट प्लांट प्रबंधन के इशारों पर प्राण घातक हमले के बाद जबलपुर में एक की मौत हो चुकी है, जो षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की गई है। हत्या को लेकर परिजनों समेत केजेएस सीमेंट प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों में आक्रोश है। वहीं समाजसेवी पंडित धीरज पांडे, समाजसेवी अभिषेक पांडे के द्वारा मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता के रूप में मदद के तौर पर मांग की गई है। वहीं अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो केजेएस सीमेंट प्लांट में ताला बंद करने के साथ उग्र आंदोलन करने की भी बात कही जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक समेत सैकड़ों की तादाद में भारी पुलिस बल मेहर थाने में मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता जीतू द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जीतू, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगे, मैहर के एक श्रमिक नेता के मौत से जुड़ा मामला है। विगत दिनों मैहर के जो सीमेंट पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इस श्रमिक नेता के ऊपर प्राणघातक हमला किया जाता है, और जब वो अपने 2-3 दिन पहले जब उन्हें जबलपुर इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन आज उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर परिजनों में अच्छा खासा आक्रोश देखा जा रहा। और मैहर थाने के बल के अलावा जिले के अन्य कई थानों का बल केजीएस सीमेंट प्लांट पर मौजूद है, और परिजनों के द्वारा मुआवजों को लेकर मांग की जा रही है और प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। क्या जो आरोपी पकड़े भी आए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? जिन्होंने प्राणघातक हमला किया है उनकी पहचान हो पाई है? जी, उनकी पहचान एक नागेंद्र पटेल करके है, और एक कोई सुशील पटेल है, और कोई एक सोनी करके व्यक्ति है। लेकिन इनके ऊपर भी सिर्फ पुलिस जो है शक कर रही है कि इनके द्वारा हो सकता है इस पूरे मामले को, घटना को अंजाम दिया गया हो, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ अभी मेन आरोपियों तक पहुंचने में हाथ खाली है, और प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई करने की बात भी कह रहा है, लेकिन जो परिजन है मृतक के परिजन वो केजेएस सीमेंट प्लांट पे बैठे हुए हैं और मुआवजे को लेकर मांग की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें केजेएस सीमेंट प्लांट पर उग्र आंदोलन हो रहा है, क्योंकि केजेएस सीमेंट प्लांट के प्राणघातक हमले में एक की मौत का ये पूरा मामला है, जहाँ 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। आपको बता दें मेहर से पूरी खबर है।